हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझसे एंकर बोल्ट के बारे में पूछा था, एंकर बोल्ट का लेआउट कैसे करते हैं, एंकर बोल्ट की चेकिंग कैसे करते हैं, और इसके एंकर बोल्ट करने समय हम सेंटर लाइन कैसे चेक करते हैं। इन सब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे आप लोगों ने। ठीक है, तो आज मैं अपने एक साइट पर आया हूँ, वहाँ पर एंकर बोल्ट चेकिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी ये देख रहे हैं, अभी ये एक साइट है जिसका एक मटेरियल अनलोड हो रहा है, और ये एक साइट दूसरी साइट है। ठीक है, दोनों एक ही कंपनी का है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एंकर बोल्ट कैसे करते हैं, एंकर बोल्ट के समय हम लोग को क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये जो आप वेयर हाउस देख रहे हैं ना, तो ये वेयर हाउस जब बनते हैं तो उनमें जो अपने जो कॉलम्स होते हैं, जैसे कि आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं, तो ये जो कॉलम अनलोड हो रहा है, ठीक है, ये कॉलम को खड़े करने के लिए एंकर बोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अब एंकर बोल्ट होता क्या है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है, थोड़ा मैं बैठ जाऊँ, तो ये एंकर बोल्ट है। ठीक है, एंकर बोल्ट ये जो देख रहे हैं आप, ये चार इस लाइन में है, चार इधर है, चार इधर है, चार इधर, मतलब 16 एंकर बोल्ट है। और ये जो स्टील प्लेट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंकर बोल्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये टेम्पलेट काम क्या करता है कि एंकर बोल्ट के पोजीशन को फिक्स करने के लिए ये टेम्पलेट यूज़ किया जाता है। अगर हम इस टेम्पलेट का यूज़ ना करें तो ड्राइंग में ये चीज़ तो मेंशन रहती है कि एंकर बोल्ट का सेंटर कितना आएगा, लेकिन उस तरह आप मेंटेन करने बैठ गए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। इसीलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, टेम्पलेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टील प्लेट का टेम्पलेट दिया गया, कई कंपनियाँ मतलब कि प्लाईवुड पर भी देती है। ठीक है, वो सस्ते के चक्कर में देती होगी, लेकिन स्टील प्लेट भी ठीक रहता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारा ये क्या था, कॉलम। ठीक है, तो कॉलम अपना ग्राउंड लेवल से फुटिंग इसकी कंप्लीट करने के बाद इसका जो पेडिस्टल है, मतलब जितनी फीलिंग आ रही है, जिस लेवल तक एंकर बोल्ट अपना होना है, उससे थोड़ा ज़्यादा कंक्रीट तक छोड़ दिया जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ठीक है, ये काफ़ी खाली है, करीब 1.5 मीटर तक खाली है। ठीक है, और ये जो एंकर बोल्ट है, ठीक है, मैं दिखा दूँ कि इस प्लेट को फिक्स करने के बाद, ठीक है, इसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, ये देखिए धागा, ये जो इस फुटिंग का है, ये फुटिंग का ये सेंटर लाइन है। ठीक है, और वाई एक्सिस से ये रहा सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन टू सेंटर लाइन क्या करते हैं, धागा बांध देते हैं। जैसे ये देख रहे हैं ना, ये धागा बंधा है। उसके बाद अगर आप प्लेट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर भी एक मार्क है। ठीक है, ये तो ये क्या जाता है, जो भी ये प्लेट की साइज़ है, सपोज 500x1 मीटर की साइज़ है। ठीक है, तो 1 मीटर ऐसे है तो 500 से ऐसे में एक सेंटर लाइन मार्क कर लिया गया, और 500 ऐसे है तो 250 में ऐसे सेंटर लाइन मार्क कर लिया गया, इसमें प्लस का साइन बन गया। ठीक है, अब ड्राइंग में जो भी हमारा दिखा रहा है कि जैसे सपोज वो फुटिंग है, ठीक है, मैं सैंपल लेके चलता हूँ यही वाली, तो अगर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, इस लाइन से उस वाले कॉलम का अगर सेंटर सेंटर दिया गया है 7 मीटर, तो हम यहाँ से 7 मीटर पकड़ के उसको 7 मीटर पकड़ेंगे। ठीक है, और ऐसे ही एक तरफ से करते हुए आएंगे, ऐसा नहीं कहीं से भी करेंगे। हमारा हमेशा एंकर वॉल चेकिंग आप हमारा एंड वॉल से किया करिए, जो लास्ट की वॉल होती है ना उसको एंड वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो एंड वॉल से करिए और इस प्लेट को फिक्स करें। जैसे इसमें हमारा क्या किया हमने कि बोल्ट को फिक्स कर दिए, बोल्ट को फिक्स करने के बाद ड्राइंग में मेंशन होता है कि ये थ्रेड कितना बाहर निकला होना चाहिए, मतलब जो भी आपका पेडिस्टल का TOC होगा, द टॉप ऑफ कंक्रीट होगा, सपोज यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ के बाद कितना ये निकला होना चाहिए, तो हम जहाँ तक भरेंगे वहाँ से ऊपर इतना बोल्ट को हम बाहर निकाल देंगे। और ये भी कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं, ये करना ही है, ये सब बोल्ट का जो टॉप है वो इक्वल हो। ठीक है, ये देखिए इक्वल है पूरा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर ऐसे सेंटर लाइन प्लेट पर मार्किंग कर लिया सेंटर लाइन का, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, मतलब वाई एक्सिस और जेड एक्स एक्सिस पे मार्क करने के बाद इसको प्लेट टू प्लेट फिक्स करके, जहाँ पर भी प्लेट आएगा जिसको हल्का सा मूव करेंगे या उधर करेंगे या इधर करके, और फिर साथ ही साथ ये जो प्लेट का जो सेंटर मार्क है, यहाँ से हम डायगोनल भी चेक कर लेंगे, इसका डायगोनल किससे मैच होगा, उधर उस वाले फुटिंग से। ठीक है, ऐसे तो ऐसे इसका डायगोनल चेक करेंगे। ऐसे पूरे का लेआउट करने के बाद इसको हम जब हमारा फिक्स हो जाएगा, तो फिक्स होने के बाद हम क्या करेंगे, रिंग लगी थी उससे हम इसको वेल्ड कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ वेल्डिंग रॉड भी रखी हुई है। ठीक है, लापरवाह आदमी। ठीक है, तो ये देखिए पूरे हर एंकर बोल्ट को अपने एक्स्ट्रा स्टील बार देकर उससे बोल्ट मतलब वेल्डिंग कर दी गई है। ठीक है, और ये जो प्लेट है ये इसलिए रखा गया है ताकि बेस प्लेट को सपोर्ट मिले। ठीक है, अब जैसे ये अपना वेल्डिंग हो गया, अब इसके बाद ये हिलने का चांस नहीं है, मतलब ये अपना बोल्ट अपने पोजीशन पे आ गए। ठीक है, और उसके बाद जब ये कास्टिंग हो जाएगी, तो कास्टिंग बाद हम ये प्लेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये प्लेट निकाल के हम आगे करेंगे, जैसे कि आपको दिखाऊं, आगे में एंकर बोल्ट नहीं हुए हैं, 1 2 3 4 5
वहीं तक है, उसके आगे नहीं है, क्योंकि एंकर बोल्ट जो टेम्पलेट होती है वो इतने सारे नहीं मिलते हैं। जैसा कि आप इस प्लेट पर भी देख सकते हैं, इस प्लेट पर भी सेंटर लाइन मार्किंग है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा एंकर बोल्ट का लेआउट होता है। अब इसकी ड्राइंग मैं दिखाऊंगा, ठीक है, ड्राइंग के साथ भी एक वीडियो बनाऊंगा। आज ड्राइंग लाया नहीं था, मोबाइल में है, ठीक है। मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा अपने वेबसाइट पर इसकी ड्राइंग एंकर बोल्ट की, तो मेरे वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन पर और वीडियो में भी आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप ड्राइंग भी देख सकते हैं, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और पीवी बिल्डिंग के बारे में, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है एंकर बोल्ट फिक्स करने का, ठीक है। अपना मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी हमारा टेम्पलेट है उसके सेंटर लाइन मार्किंग कर लो, और सेंटर लाइन मार्किंग करने के बाद सबसे पहला फिक्स करोगे आप कॉर्नर का, ठीक है। ये देखिए, ये है कॉर्नर का, ठीक है। आप बोलोगे कॉर्नर का इतना मतलब कि छोटा साइज़ का क्यों है, तो डिज़ाइन के ऊपर है, ठीक है। हम डिज़ाइन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जो डिज़ाइन बनाने वाला है उसने कुछ ना कुछ सोच के ऐसा किया होगा, ठीक है। ये अपना एंड वॉल है, तो एंड वॉल पे कई सारे कॉलम रहते हैं, ठीक है, इसलिए छोटे छोटे कॉलम से यहाँ का राफ्टर फिक्स किया गया होगा, सब में छोटे छोटे लगेंगे। इस पर्पज़ से हो सकता है कि साइड में स्पान ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से इसको हैवी कर दिया गया, लेकिन साइड की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, वो डिज़ाइन पार्ट है, ठीक है। तो ये देखिए, आप इसमें थोड़ा अच्छे से क्लियरली देख सकते हैं, नीचे हमारा क्या है, हमारा कॉलम जहाँ तक भी भरा गया था एक लेवल तक भर दिया गया, ठीक है। आप वो अगर होल देख रहे होंगे, तो होल इसलिए किया गया है ताकि बारिश में पानी भर जाए तो पानी निकलने के लिए कोई ना कोई जगह होनी चाहिए, ठीक है। अब इस तरह एंकर बोल्ट यहाँ फिक्स करके वेल्डिंग कर दी गई, हर सभी जो भी एंकर बोल्ट है, ये जो काला वाला आप देख रहे हैं ना, ये एंकर है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको वेल्ड कर दिया गया, उसमें कंक्रीट भर के, जो भी हमारा टीओसी लेवल होगा, आप हर फुटिंग में देखेंगे तो एक पेंट कलर, पेंट से मार्क है येलो कलर का, इसमें भी देखिए है, इसमें ब्लैक कलर का है, ठीक है, ऐसे हर जगह पर है। ये लेवल के लिए किया गया है कि हमको इस लेवल तक हमारा ये मुरूम फील होगा, फिर उसके बाद जीएसबी आएगी, फिर पीसीसी होगी, फिर फ्लोर होगा, ठीक है। अब फ्लोर करने के भी कई तरीके थे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, और यहाँ पर ये बीम ऐसा क्यों दिया गया, इसके बारे में भी आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका फ्लोर कैसे करेंगे, इसके बारे में ये बीम दिया गया है, और इसका बीम का स्टील कैसे कनेक्ट करेंगे, वो चीज़ है। अब एंकर बोल्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से बता दिया कि एंकर बोल्ट करने का तरीका क्या होता है, ठीक है। ये हमारा इसमें तीन चीज़ है, ठीक है, समझिएगा। एंकर बोल्ट है, एंकर बोल्ट के ऊपर अपना टेम्पलेट है, टेम्पलेट के ऊपर मार्किंग है, और एक वेल्डिंग भी है। ये तीन चार चीज़ें बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो, और जो भी आपकी क्वेरी थी वो सॉल्व हो गई हो। अगर फिर भी कोई ना कोई क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस चीज़ का, वो भी जो भी क्वेश्चन होगा उसका वीडियो के थ्रू आंसर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।